नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? केबीएस का जेएस से एक बहुत अच्छी वैकेंसी जिसकी तैयारी एक बहुत आसान तरीके से हो सकती है और नौकरी लेना उतना ही आसान हो सकता है यदि आपके पास बहुत ही बेहतर रणनीति हो, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट और रिसोर्स हो। और ये सारी ही चीजें इस वैकेंसी में आपका अपना पड़ा भारी करने के लिए बहुत ज्यादा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि केवीएस से संबंधित कोई भी चीज, वो चाहे जेएससी हो, वो चाहे पीआरटी हो, वो चाहे टीजीटी पीजीटी, सब कुछ आपका यहां पे मिलने वाला है। जिसमें सर्वाधिक अगर देखा जाए, सबसे बेहतरीन जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए, जेएससी की वैकेंसी आई है, लगभग 702 पद है। इसमें जेएससी और एसएससी दोनों मिला के लगभग 1000 पद है और दोनों ही लगभग सेम पैटर्न है, एक ही चीज है, एक ही लेवल है और दोनों में ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म फिलिंग इसका चालू और तैयारी कर सकते हो। एसएससी में थोड़ा सा आपका केवल उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि एक्सपीरियंस आपका जेएससी या किसी गवर्नमेंट बॉडी पे हो, कोई ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर में भी आपका हो सकता है। चलिए हम सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात कि अगर हम यहां पर जेएससी की रणनीति बना रहे हैं, साथ में एसएससी वाले भी समझते हुए चलना, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं केवीएस में, ये एक एलडीसी का पोस्ट, इससे पूर्व में बोला जाता था, अब से जीएससी हो गया और इसकी तैयारी में अब हमारे पास क्या चाहिए। थंबनेल आपने देख लिया होगा और थंबनेल में हमने चर्चा किया है कि कैसे करें तैयारी। तो ये पूरा ही सेशन आपको कितनी बेहतरीन रणनीति के साथ हम लोग इस तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारे पास किताबें होनी चाहिए, कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए या फिर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पिछली बार कट ऑफ क्या था, इस बार कट ऑफ किया जा सकता है, लास्ट में हम टेस्ट सीरीज का चयन कौन सा करें और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम कंप्यूटर कहां से पढ़ें। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूं कि इस बार जो जेएससी का पेपर है, केवीएस के साथ साथ सीबीएसई, कहने का मतलब यह हो गया केवीएस फॉर्म निकाला है, एनआईसी पेपर कंडक्ट कराएगी, लेकिन जो कंटेंट बना रही है वो सीबीएसई बना रही है। और जब सीबीएसई बनाती है पेपर तो बहुत ही बैलेंस बनाती है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बनाती है और छोटी छोटी बातों में उलझा के पूछती है, इस बात की मैच्योरिटी हमें लेके चलना चाहिए। तो वो चाहे कंप्यूटर का संभाग हो, चाहे मैथ का संभाग हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, टोटल 20-20 करके 120 क्वेश्चन आपके पास है और हर विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से एक विषय ऐसा है जो अपने सर सबसे ऊंचा किया हुआ है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर केवल ऐसा नहीं है कि 20 नंबर ही आपका रिटन में है, इसका आपको स्टेजेस पता होंगे, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में आपका एक रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, 120 नंबर का क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन का पेपर है, 120 नंबर है, 120 मिनट है, सब कुछ 120 120 120 है, मतलब 2 घंटा आपके पास सब कुछ है। और उसके बाद अगर देखा जाए इसमें तो कंप्यूटर का पड़ा भारी है, क्यों भारी है उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर एकदम पिछली बार कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए थे, कहां से इस बार पूछे जाएंगे, सारे हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरी ही एनालिसिस में आप लोग के लिए निकालने के आया हूं, 2014 15 18 सब कुछ। तो यहां पे अगर देखा जाए तो जेएससी में सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर का पड़ा भारी है, 20 क्वेश्चन आपका रिटन एग्जाम में होगा और 50 क्वेश्चन आपका सीपीटी में होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम यहां पे रिटन मतलब कि स्टेज वन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, टोटल 70 क्वेश्चन आपके पास होंगे, इनमें उन्होंने 5 टॉपिक का जिक्र किया है जिसमें से एक आपका इंटरनेट है, एक इंटरनेट है और बाकी जो टॉपिक हैं वो किससे हैं, एमएस ऑफिस से, जिसमें से पहले टॉपिक से 25 क्वेश्चन, उसके बाद से 10 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, ये आपका टोटल बोल सकते हो कि 5 टॉपिक का जो वेटेज रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा, 25 10 5 5, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा। और ये जो करवा रही है ये सीबीएसई करवा रही है, कौन करवा रही है, सीबीएसई करवा रही है। इसको कैसे आपको देना है उसका भी लिंक आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से, और सर्वप्रथम तो आप यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस का यहां पर जहां पर आपको इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। नहीं बात 20 क्वेश्चन यहां पे, तो ये इसका फुल सिलेबस वास्ट है और अगर देखा जाए तो यहां पे भी ऑफिस का रोल तब भी ज्यादा है, मतलब ऑफिस यहां पे भी आपको पढ़ना है, ऑफिस यहां पे भी आपको पढ़ना है, कुल मिलाकर ऑफिस से अगर हम देखें इस 70 क्वेश्चन में से तो 45 क्वेश्चन लगभग यहां पे, और अगर यहां पे देखें तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहां पे, 55 क्वेश्चन केवल आपके ऑफिस से है, ये आपको बहुत बेहतरीन पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, जिसमें आशीष सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा भी रहे हैं और आगे भी सारी चीज बताते जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि कंप्यूटर में जितना आशीष सर अभी तक कितना भी एग्जाम हुआ, सबसे अच्छी बात है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो आप टाइपिंग और कंप्यूटर मॉड्यूल वाला जो पेपर होता है, जैसे अभी से हमने यूपी एएसआई किया, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक
सबसे बड़ा बैच, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला भी बैच यही बनने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। उसके बाद हम चाहे हाई कोर्ट सीएनडी की बात करें, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जेसीए की बात करें, या फिर हम किसी अन्य परीक्षा की बात करें, अगर कंप्यूटर और टाइपिंग साथ वाली वैकेंसी है तो परीक्षा प्लस हमेशा से नंबर एक रही है और आप इस बात को जानते हो। शुरू से लेकर अंत तक, मतलब आपके फॉर्म भरने से लेकर कोर्ट कचहरी तक, हर तरीके से परीक्षा प्लस आपके साथ रही है, कंटेंट लाजवाब देती है। और इसमें आशीष सर का जो कंप्यूटर का रोल होता है वो लाजवाब है, इस बात को मैं बार बार कहूं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कंप्यूटर में आपको करना है, हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं कि आपके 20-20 हैं, जो आपका स्टेज वन है 20 आपका कंप्यूटर का होगा, ऐसे ही आपका जो होगा 20 आपका क्या है मैथ्स है, मैथ्स के बाद आपका 20 जो है इंग्लिश है, 20 इंग्लिश के बाद आपका 20 हिंदी है, और इसके बाद आपका क्या है 20 रीजनिंग है और 20 जीएस है। ये आपके टोटल, ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट हैं, कुल मिला के 6 सब्जेक्ट हैं, और ये सब्जेक्ट सिलेबस को तो वास्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो सिलेबस दिया है वो बहुत छोटा दिया है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दिया है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो ज्यादा चीजें आपका ऑफिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, या फिर वो इंटरनेट के इर्द गिर्द घूम रहा है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हिस्ट्री एंड जनरेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इन चार पांच टॉपिक को देख लोगे तो कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में देखा जाए तो मैथ्स में सारी चीजें अरिथमेटिक के इर्द गिर्द घूम रही है, नंबर सिस्टम अलग से चैप्टर दिया है, और आपको अन्य चैप्टर्स के अलावा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिलेंगे पेपर में। नो डाउट टोटल 20 क्वेश्चन अगर मैथ्स का आ रहा है तो 20 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम के नंबर सिस्टम के देखने को मिलेंगे, 13 से 14 क्वेश्चन आपकी पूरी अरिथमेटिक होगी, जिसमें आपके कुल मिला के अरिथमेटिक में अगर चैप्टर की बात किया जाए तो 7-8 चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद आपका सीआईएसआई हो गया, रेशियो हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और एवरेज हो गया। मतलब 7 से 8 चैप्टर अगर हम टोटल देखें तो 7-8 चैप्टर से 13-14 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन बन रहा है वहां पे। और अगर हम नंबर सिस्टम का देखें तो वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनेगा। नंबर सिस्टम में भी आपको समझना चाहिए कि जैसे डिविजिबिलिटी से हमेशा बनता है, एलसीएम एससीएफ बहुत मस्ट टॉपिक होती है, यहां से अगर अरिथमेटिक टाइप में क्वेश्चन पेपर बनता है तो एलसीएम एससीएफ रिलेशन बिटवीन एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये सारी ही चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही वोकैब, ये वोकैब बेस ज्यादा होते हैं। अगर आप पूर्व में भी देखो कि पेपर कैसे हुआ है तो ये इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटेजी आपके सामने है। अगर आप केवल किसकी बात कर रहा हूं वोकैब की, तो 4 ईडम वोकैब का हो गया, 4 सिनोनिम्स हो गया, 4 एंटोनिम्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया 4, ये चारों ही क्या है, ये वोकैब पार्ट है। मतलब 20 में से 16 क्वेश्चन जो है वो कहां के हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि हाँ 16 क्वेश्चन आपके केवल वोकैब पोर्शन से पूछा गया है। ठीक ऐसे अगर हम यहां पे देखें 2015 में तो ईडम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, उसके बाद फिर करेक्टली स्पेल्ट हो गया, सेंटेंस करेक्शन नहीं, यहां पे 12 ही लो, सेंटेंस करेक्शन नहीं, करेक्टली स्पेल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये 12 हो गया, ठीक है। और अगर यहां पे देखें तो यहां पे भी 16 क्वेश्चन वोकैब से है, मतलब आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इंग्लिश में वोकैब पोर्शन 50% से और 50 से 75% पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। 2014-15 का मैं आपके सामने लेके आया हूं, 2018 में पेपर ऑनलाइन हो गया था, उसका पेपर कहीं मिल नहीं रहा है, हम उसको बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे आएगा उसको मैं बता दूंगा कि कैसे पूछा गया था। और 2014-15 करीबन 6-7 साल बात हो गई, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर पूछेगा। और इस बार आपका पेपर सीबीएसई बना रही है, तो सीबीएसई का एक खास गुण यह होता है कि जो टॉपिक सिलेबस, वो तो पहली बार पेपर एज पर सिलेबस बनाएगी। ध्यान देना, जब भी आप इस ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें जो सीबीएसई पेपर बना रही है, तो उसमें 2-3 चीजों का आप ध्यान दो कि पेपर बहुत बैलेंस बनेगा। पेपर बैलेंस बनेगा कहने का मतलब एज पर सिलेबस बनेगा, वो सिलेबस में जितने ही टॉपिक दे दिया है वो कोई भी टॉपिक छोड़ेगा नहीं, और हर टॉपिक को बराबर सिमेट्रिकल डिवाइड करेगा। मतलब ऐसा नहीं किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछ ले, किसी टॉपिक से कम पूछ ले, तो इसीलिए पेपर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। पेपर जो प्रश्न होता है वो कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, इतना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा, बट कॉन्सेप्ट अच्छा आपसे करेगा और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अच्छा करवाएगा, इस बात को समझिएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत मैच्योर है और आप इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हो, इन चीजों को दिमाग में आगे रख के बढ़ते हो, तो
आप तैयारी के दिन प्रतिदिन बहुत नजदीक चलते चले जाओगे। तो यह हमारे तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, एक बहुत अच्छी एनालिसिस होनी चाहिए। और अब 2022 में, क्योंकि ये तो मैं पिछली बार बताया हूं 2014-15 की, 2018 में भी लमसम ऐसा ही था, लेकिन आपका 2022 में पूरा का पूरा पेपर बैलेंस होने वाला है। जैसे यहां पे देखो, करेक्टली स्पेल के एक भी नहीं पूछा, या फिर वन वर्ड के एक भी नहीं पूछा। अभी यहां पे जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, इस बार पेपर में ब्लैंक नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बोलूं तो उसने सिलेबस में क्या दिया है, सिलेबस में पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, आर्टिकल्स दिया है, उसके बाद वो कैप दिया है, बस तीन चीजों पे उसने जिक्र किया है। तो पूरा ग्रामर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से पूछेगा। इसका मतलब ग्रामर में वो केवल या तो फिलर पूछेगा या तो करेक्शन पूछेगा, और फिलर और करेक्शन, हालांकि सीबीएसई जब पेपर बनाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामर में आपका करेक्शन और वही पूछे, फिलरी वो डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैस्कुलिन जेंडर, ऐसे पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोई नाउन से पूछ लेता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ सकता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच उसने जिक्र कर दिया है, मतलब ग्रामर से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो करेक्शन और किससे क्वेश्चन पूछे, इंप्रूवमेंट से या फिर फिलर से क्वेश्चन पूछे। तो इसके लिए आप तैयार रहना, पार्ट ऑफ स्पीच आपको सर्वेश सर बहुत बेहतरीन, इंग्लिश की तो मैं गारंटी इतना ले रहा हूं कि सर्वेश सर जितना आपको करा दे रहे हैं वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। खुद उन्होंने आईबी में जॉब करके आए हैं, अभी आशीष सर की बात बताया है, कंप्यूटर से एमटेक है, सारी फैकल्टीज अगर आपको यहां पे परीक्षा प्लस में दिया जा रहा है तो वो बहुत जबरदस्त है, अपने आप में अपने फील्ड में नंबर एक है, तभी यहां पे है, वरना नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। और अगर हम यहां पे बात करें तो इस बार 2022 में अगर थोड़ा सा बैलेंस करें तो पैरा जंबल से, पैरा जंबल क्योंकि ये बल्क में होता है, इससे तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वन वर्ड से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ईडम से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सिनोनिम्स दो हो सकता है, एंटोनिम्स दो हो सकता है, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के भी दो हो सकते हैं, फिलर भी दो हो सकते हैं, और करेक्टली स्पेल्ड के दो हो सकते हैं, फिलर के दो हो सकते हैं। अगर इनको जोड़ा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 3, 17 बाकी जो तीन है इसे मैं मिसलिनियस लिख रहा हूं। ये मिसलिनियस कहने का मतलब डायरेक्ट ग्रामर से कि आपसे पूछ ले कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, नाउन में भी कैटेगरी पूछ ले, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट पूछ सकता है। इस कारण मैंने इस तीन मिसलिनियस, और ये जो मिसलिनियस है ये ग्रामर बेस होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो आप ज्यादा वोकैब पे ध्यान देना, वोकैब के लिए सर्वेश सर 10:30 बजे सुबह एक बहुत स्पेशल केवीएस के लिए क्लास भी कराते हैं, वोकैब स्पेशल, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडम, फ्रेजेस, ये सब कवर कराते हैं। तो उस क्लास को अगर आप रेगुलर, आधे घंटे क्लास होती है 20 मिनट की, वो क्लास करते रहोगे तो डेली बेसिस पे 15-20 आपके वोकैब, और उस 15-20 के साथ साथ 15-64 चार विकल्पों के साथ 50-60 विकार आपके रोज तैयार होते जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयार होते जाएंगे, वहां पे आपको मजबूती मिलेगी। बाकी ग्रामर तो आपको वो पढ़ा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसमें भी जो वोकैब पार्ट है वो ज्यादा ही पूछा जाता है। हालांकि सीबीएसई पेपर बना रही है तो ग्रामर भी हो सकता है और इस बार क्या हो सकता है, वोकैब भी हो सकता है, दोनों बैलेंस हो सकता है। हम बराबर बराबर ही लेके चलेंगे कि 50-50 का रेशियो रहेगा, कोई कम ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब दोनों ही, ग्रामर भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या है, वोकैब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि हमें केवल एज पर सिलेबस पढ़ना है, ऊपर नीचे नहीं पूछेगा, सिलेबस ही पूछेगा। सीबीएसई बहुत ही बैलेंस संस्था है, उसके ऊपर खुद ही बहुत जिम्मेदारी है, वो बच्चों की बोर्ड कराती है तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी कि पेपर रैंडम सेलेक्ट बना दे, वो पेपर बहुत बैलेंस बनाएगी, ये बात आप समझते हुए चलो ठीक है। ऐसे आपका अगर हम जीएस की बात करें और ऐसे ही हम सारे विषय की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक बैलेंस पेपर की बात करें तो जीएस में जैसे करंट अफेयर्स भी है और उसने साइंस का जिक्र नहीं किया, केवल साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात किया है, इसका मतलब जो साइंस के क्वेश्चन होंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे। तो अगर मैं जीएस की आपसे बात करूं यहां पर, जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो इस बार भी करीबन करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद बायो के शायद 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वरना नहीं देखने को मिलेगा, ये 0 से 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। स्टैटिक से आपके यहां पे स्टैटिक के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अगर ये टीसीएस करा रहा था तो मैं बोलता कि स्टैटिक बहुत ज्यादा होगा, बट पिछली बार 2018 में क्या हुआ था कि जो आपका पेपर कराया था टीसीएस कराया था, स्टैटिक बहुत भर के दे दिया था, बट इस बार स्टैटिक ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि सीबीएसई करा रहा है, कन्वेंशनल होगा लेकिन फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक से होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री का होगा, 2 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी का होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का होगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का भी होगा। मतलब 5 यहां पे ले ले तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 1, 15 यहां पे मैं 15 का किया हूं, बाकी मिसलिनियस किसी में भी ऊपर नीचे वो कर सकता है। लेकिन आप ये बात समझना कि ये
ये आपसे बैलेंस पेपर पूछेगा, कुछ कम ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ही व्यापक रूप में इसे बैलेंस तरीके से पूछता हुआ चलेगा। सिमिलरली हम यहां पे रीजनिंग की बात करें तो सारे ही टॉपिक लेगा। हाँ, जब सीबीएसई पेपर बनाता है तो नॉन वर्बल ज्यादा पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे वो फिगर सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो फिर फोल्डिंग से पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, डाइस से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि सीबीएसई वाले पेपर बनाने में आलस्य नहीं करते। बाकी जो ऐसी होती है कंपनियां, वो सोचते हैं यार हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, इससे अच्छा वर्बल वाला डाल दो, स्टेटमेंट वाला डाल दो, कॉपी पेस्ट पे काम चलता है। सीबीएसई में पेपर नया बनता है, सीबीएसई में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। खुद क्या है कि जैसे टीसीएस वीसीएस में होता है, वो पेपर बनाते हैं तो उनके पास 1-1.5 लाख का क्वेश्चन बैंक है, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। बट सीबीएसई पूरा बैलेंस पेपर नए तरीके से बनाएगा, और जब नए तरीके से बनाएगा तो वो किसी भी, और कुछ रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना जो एकदम नए हो सकते हैं, वो आपके खुद की तर्क शक्ति पर डिपेंड करेंगे एग्जाम में, उस माहौल में कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रीजनिंग के लिए परेशान नहीं होना है यहां पे। अगर जिसका मैथ्स अच्छा है उसकी रीजनिंग तो कंफर्म अच्छी होती है, और मैथ्स अगर नहीं भी अच्छा है तो भी रीजनिंग में अच्छा खासा आप कर सकते हो। लेकिन यहां पे हम किसी भी पोर्शन को वीक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो 100 में लगभग 83 नंबर गया था, मतलब 83% कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। पिछली बार फॉर्म की संख्या भी कम थी, थोड़ी सी वैकेंसीज भी कम थी, लेकिन पेपर आसान भी आया था, तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया था। दूसरी बात यह, कट ऑफ हाई जाने का किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर बच्चा बहुत टीपो टाप उसमें क्या करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर करके आता है। इस बार भी निगेटिव नहीं है तो फिर हमारा कट ऑफ नीचे जाने कोई चांस नहीं है। इस बार फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे तो भी जाने चांस नहीं है। सीबीएसई पेपर बना रहा है तो इजी टू मॉडरेट लेवल बनाएगा तो भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 80% से नीचे तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो, 80 पे भी डर हो सकता है कि भाई सिलेक्शन हो कि ना हो, क्योंकि यहां पे 85-87-88% वाले बच्चे क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। आज ही मैं बोल रहा हूं, आप इस चीज को देख लीजिएगा, कट ऑफ इसका हाई जाने वाला है। तो हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, जब आपके पास ये मैथ्स है, मैथ्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया नंबर सिस्टम और वो सारी चीजें, और ये आपका क्या एमएस ऑफिस है, सिक्योरिटी है, वेब डिजाइनिंग है, हिस्ट्री जनरेशन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल एक्सटेंशन है, यहां से क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो एक मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊं, लेकिन अब जब आपने इतनी बात समझ ली है तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है कि सर ये पढ़ने के लिए हमारे पास कंटेंट क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए। पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर हम किताब कौन सी लें, बुक्स कौन सी लें, जो हमारा कंटेंट होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। तीसरा आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या सेल्फ स्टडी से ये तैयारी हो जाएगी, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं। चौथा ये आ रहा है कि अगर हम ये सारा कर लें तो टेस्ट सीरीज कौन सा सॉल्व करें, इसकी टेस्ट सीरीज कहां से मिलेगी। और पांचवा ये आ रहा है कि कितने घंटे पढ़ें कि हमारा क्या हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। और इन पांचों का जवाब मैं अगले 2 मिनट में आपको देने वाला हूं। बाकी इससे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बहुत किसी भी कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ भी आप बोल सकते हो, उसका हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। किसी भी वो चाहे आपकी तैयारी से संबंधित हो, चाहे आपके फॉर्म भरने से संबंधित हो, किसी से भी कोई भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो या नीचे नंबर चल रहा है उन पे कॉल कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बुक्स और कंटेंट क्या होना चाहिए, देखो केवीएस क्या है, ये 4-5 साल बाद वैकेंसी आई है, इससे पहले 2018 में आई थी, 2022 खत्म हो रहा है, मतलब 4-5 साल बोलेंगे। और इनमें क्या होता है कि जो पब्लिशर होते हैं वो देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसका किताब निकालते हैं। और जब कोई वैकेंसी अचानक से आ जाती है तब वो क्या करते हैं, केवल जो पुराना कंटेंट होता है उसका कवर बदलते हैं, आपको देते हैं, कोई अपडेशन नहीं होता, जिसके कारण से नुकसान केवल बच्चों का होता है। और आप भी मेरे ख्याल से बच्चे नहीं हो, इस बात को समझने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए कि जो पब्लिशर हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन हो गया, बहुत सारी पब्लिकेशन, में सबका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नाम लेना उचित भी नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ तो पब्लिकेशन ठीक भी होते हैं, कुछ पब्लिकेशन क्या होते हैं कि केवल कवर बदल के आपको देते हैं, आपको लगता है हाँ यार मार्केट में केवीएस जैसे की किताब है और हम इसे पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा, लेकिन उसमें कंटेंट किसी अन्य एग्जाम का होता है। इस एग्जाम का सिलेबस अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। तो आप ऐसे मार्केट में जल्दबाजी किताबों में भरोसा ना करिएगा, वो ज्यादा बेटर है। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट हर बैच में हम लोग क्या करते हैं, हर बैच में जिसमें ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसका सिलेबस वैसे होता है, उसमें जल्दी हम नोट्स थोड़ा प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम जिसमें एकदम पैटर्न बदल जाता है, सिलेबस बदल जाता है,
चीजें बदल जाती है, उसमें समय लेके बहुत अच्छे से रिसर्च करके फिर हम लोग करते हैं। और यही है कि आप में बहुत अच्छे से रिसर्च काम होके एकदम केवीएस किस प्रकार से क्वेश्चन पहुंचेगा, कैसे आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे, एनसीईआरटी सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई करा रहा है तो एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां की कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि एज इट इज उठाया जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा और उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो उस तर्ज पे आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं जो परीक्षा प्लस आपको तैयार कर रही है। मैं आपको एक झलक दिखा भी देता हूं, वो सारी जो आपकी बुकलेट है वो सारी आपको ऐसे मिल जाएंगी। ये सारी बुकलेट अलग अलग हिंदी हो गई, सामान्य अध्ययन हो गया, इंग्लिश हो गया, जैसे का कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। कंप्यूटर में सीपीटी भी हो गया और इसमें थ्योरी, ये दोनों ही पार्ट इसमें कवर कराया जाएगा। सीपीटी भी एमसीक्यू होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आप किताब कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे स्वैच्छिक है, मैं बस इतना बोलूंगा कि आप वो किताब लो, जाओ बुक स्टोर पे भी जा रहे हो तो आप अच्छे से देखो कि यार ये अपडेटेड है, जो कंटेंट है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर ये वीडियो देख लियो तो आपको और मदद मिलने वाली है। कोचिंग काउंसिलिंग, हाँ इस पे मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर ले। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों सेल्फ स्टडी करो, इस बैच में बोल रहा हूँ कि मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि समय बहुत कम देता है। केवीएस जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं उनके एग्जाम विद इन 40-45 डेज में करवा लेता है, तो 40-45 डेज में आप सेल्फ स्टडी से बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। आपको जो ये डेली कितने घंटे पढ़े, अगर आपके पास 45 घंटे हैं तो 6 से 7 घंटे से आप कम नहीं पढ़ सकते हो किसी कीमत पे, जिनमें से 6-7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 3-4 घंटे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। टोटल आप दिन में अगर आपको ये नौकरी चाहिए 85% 80% लाना है, नौकरी नो डाउट बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर ये नौकरी निकालनी है तो आपको अभी से ही मिनिमम 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं। कंपटीशन बहुत है, लोगों के पास रिसोर्स बहुत है। 4 साल पहले से आप कंपेयर मत करो, 4 साल पहले इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। 2017-18-14-15 में लोग वैकेंसीज के बारे में जानते नहीं थे, इतना यूट्यूब का बोलबाला नहीं था, इतना मास एंड मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था कि सब बच्चों को पता चले। जागरूकता बहुत है, सब फॉर्म भरेंगे, सब तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियां देर से आ रही है, हर बच्चा भूखा प्यासा बैठा है, कौन सी नौकरी है, किसमें फॉर्म भरे, कौन सा ले लें, आपका पद छीनने के लिए वो तैयार है। तो आपको भी उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप इतना मेहनत नहीं कर सकते तो आप फॉर्म मत भरना, इस बात के लिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, वरना चयन होना मुश्किल हो जाएगा, अंटिल एंड अनलेस आपका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो कोचिंग, तो मैं ये बोलूंगा कि हां भाई आप किसी संस्था से जुड़ो, जिससे भी आप जो भी जिसमें ट्रस्ट करते हो, जिन्हें लगता है कि यहाँ के अध्यापक अच्छे हैं, और दूसरी बात ऐसी संस्था जो डेडिकेटेडली ऐसे कोर्सेस करा रही हैं, जैसे टेक्निकल इन द सेंस जो टाइपिंग पोस्ट वाले जो जितने भी आते हैं, या फिर क्लरिकल पोस्ट ये जितने आते हैं, या फिर जिनमें कंप्यूटर ज्यादा पूछा जाता है, इनमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ऐसी संस्था जिसका कंप्यूटर का टीचर बहुत अच्छा हो। अगर आप परीक्षा प्लस का चयन करते हो तो मैं सिंपल सा बोलूंगा आशीष सर से अच्छा कोई टीचर है नहीं, खुद कंप्यूटर साइंस से एमटेक है, हर लेवल पे इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी फिर भी अगर आपका कोई पसंदीदा टीचर है तो आप उससे पढ़ो, वो स्वैच्छिक है आप पे, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा। और आप ये देखो कि वो जो संस्था से आप जुड़ रहे हो वो संस्था की कोर्स कंप्लीट करा पा रही है, उस संस्था के अन्य फैकल्टीज कैसी है, केवल कंप्यूटर से भी काम नहीं चलेगा, मैथ्स के भी टीचर आपके अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश का भी टीचर अच्छा होना चाहिए, चलिए आप हिंदी अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन ये भी समझो कि ये पूरा केंद्र लेवल का जो परीक्षा है, तो हर राज्य से बच्चे हैं, वो कुछ साउथ इंडियंस हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, तो अगर ऐसे से उनकी क्या होती है, हिंदी कमजोर होती है, तो हिंदी का भी टीचर आपका बहुत अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत बेहतरीन होना चाहिए, इस बात को आप समझिएगा। तो आप बस केवल अगर थोड़ा सा कर सकते तो वो रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग कॉमन पूछेगा और कोई जरूरी नहीं कि रीजनिंग पढ़ा हुआ पूछे। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप 20 में 20 कर लोगे, दिमाग नहीं चल रहा है तो आप 20 में शायद 10 भी ना कर पाओ। सीबीएसई का पैटर्न रीजनिंग का ऐसा रहेगा, बाकी हम लोग बताएंगे रीजनिंग को कैसे टैकल करना है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए किसी संस्था से जुड़ने के लिए। हां, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप अगर फ्रेशर हो तो जरूर जुड़ो, अगर आप 3-4 साल से तैयारी कर लो तो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह या किसी अच्छे जो आपके सीनियर हैं या फिर जो आपके कोई टीचर हैं उनके मार्गदर्शन में रहो। अकेले में अगर बहक जाओगे तो समय बच्चों ज्यादा नहीं है, वरना मैं आपको बोलता सेल्फ स्टडी कर लो, ये मैं नहीं बोलूंगा। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है, और परीक्षा की तिथि से कम 15 दिन पहले से आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। वो आप कोई भी ले सकते हो, टेस्ट बुक भी है उपलब्ध कराती है, अच्छा टेस्ट बनाती है, परीक्षा प्लस तो आपको उपलब्ध कराएगी भी, बाकी कोई भी संस्था। टेस्ट सीरीज एक नहीं, आप मल्टीपल संस्था से खरीद सकते हो, टेस्ट बुक का जरूर लगाओ, परीक्षा प्लस का जरूर लगाओ, बाकी भी कोई संस्था है तो उसका भी लगा लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा टेस्ट दो लोगे, उतना ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। कितने घंटे पढ़े ये मैं आपको बता दिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन जो आपकी हो सकती है, यही हो सकता है कि भाई अब आपके लिए सामने बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छे पद हैं, बहुत अच्छा चांस है, 4 साल बाद वैकेंसी आई है, तो आप इसमें कोई भी गलती मत करो।
लग जाओ, तैयारी करना शुरू कर दो। सबसे ज्यादा परेशानी कंप्यूटर में होने वाली है। जिस प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको आशीष सर पढ़ा रहे हैं, शायद ही कोई इतना अच्छा अप्रोच में पढ़ाएगा, इस बात की तो गारंटी है। इंग्लिश में जो आपको सर्वेक्षण दे रहे हैं, मैं आप पूछ रहे हो, बच्चे सोच रहे हो सर एक बार कोर्स के बारे में बता दीजिए, तो कोर्स के बारे में बता दें, लेकिन मेरा उद्देश्य इस सेशन में कोर्स के बारे में बताना नहीं है बच्चों, ये उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी एक सही दिशा सही मार्गदर्शन में करो। बाकी स्वैच्छिक है, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो परीक्षा प्लस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और हमने एएसआई में भी सर्वाधिक सिलेक्शन दिया है। अगर देखा जाए तो हमने यहां पे हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वहां पे भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट जेसी में सर्वाधिक बड़ा बहस, सबसे ज्यादा एडमिशन, सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट जेसी से ही होने वाला है। तो ये एक क्लरिकल और जो कंप्यूटर वाले पोस्ट है, टाइपिंग वाले, उनमें से स्टेन वाले पोस्ट में लगातार टीम परीक्षा प्लस नंबर एक पे रही है। वो आप किसी से भी पूछ लोगे, किसी बच्चे से जान लोगे, वो आप कमेंट में भी आप जान लोगे कि हाँ यार परीक्षा प्लस में अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं, कुछ अपने बच्चों के सिलेक्शन के आधार पर बोल रहा हूं, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फीस बहुत कम रखी गई है। अभी तक मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये फीस 499 ही थी, लेकिन इस फीस को ये था कि बढ़ा दिया जाएगा, तो अब से ये बढ़ा दी गई है। फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इतने सारे 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो ये 699 मिनिमम, इसमें भी 2,065% ऑफ पे चल रहा है। ये फीस अभी भी बढ़ जाएगी मिनिमम, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है, 999 मिनिमम इसका जाएगा, मैं आपको बता दूं 3-4 दिन में। तो अगर आप जुड़ना चाहो तो इस फीस पे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिखा ही दिया, ये सारी चीजें जो आपकी किताबें हैं, ये पूरी किताबें इसमें मिलने वाली है। नोट्स में टेस्ट सीरीज जी किताबें होंगी, ईबुक के फॉर्म में मिलेंगी, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, आप इसे प्रिंट करा सकते हो, बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स होंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे। टेस्ट सीरीज आप इसमें अवेलेबल कराया जाएगा। डाउट सेशन हम गूगल मीटिंग के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू आपका पूरा डाउट सेशन करते हैं, और इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम होगी। क्या क्या फीचर्स है इसे आप देख सकते हो कि एकदम जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से सभी विषयों की वीडियो क्लासेस लाइव प्लस लाइव होगी, उसके बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कभी भी कितनी बार भी आप देख सकते हो। कंप्यूटर की विशेष क्लास, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसलिए इसको हाईलाइट करके दिया गया है। 10+ फुल प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन दिया जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा, सभी टेस्ट की व्याख्या की पीडीएफ आपको दी जाएगी ताकि आप उसे रिवाइज कर पाओ, प्रिंट करके पढ़ पाओ। नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के बुकलेट नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स मैंने आपको दिखा दिया। विषयवार एवं संपूर्ण सिलेबस हेतु रणनीति, बाकी रणनीति तो हो गया, डिस्कशन हो गया, ये सारी चीजें तो आपसे होगा ही। पीडीएफ नोट टेस्ट और 250 घंटे से ज्यादा की क्लासेस में आपको मिलने वाली है। जो आपकी फैकल्टीज एक बार देख लो, मैथ्स आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी डेमो देख सकते हो, एक वीडियो फ्री भी होगी, वो भी आप जाके देख सकते हो आराम से। परीक्षा प्लस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, परीक्षा प्लस स्पेलिंग आप देख लो, PARIKSHA परीक्षा प्लस, ये आपका ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऐप है, इसे आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, अगर आप पहले से रजिस्टर किए हो तो केवल लॉगिन करोगे, लॉगिन भी है तो केवल कोर्स में जाओगे, कोर्स में आपको सबसे ऊपर ही जैसे केवीएस जैसे का दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, और जैसे ही आप उसका पेमेंट कर दोगे आपका ये सारे ही क्लासेस सक्सेस कर लोगे, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर नो डाउट आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपको रमन सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, जीएस और करंट के लिए आपको अनुज सर हैं, कुछ पोर्शन मैं ले लूंगा, कुछ पोर्शन आपके रमन सर हैं, कुछ पोर्शन में आपके अन्य भी फैकल्टीज देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे बैच में 7 से 8 फैकल्टीज हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हम पे विश्वास दिलाते हो तो हर बैच की तरह एएसआई हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कोई भी जिसमें स्टेनो टाइपिंग इनकी वैकेंसीज आई है, इनमें हमने नंबर एक रहे हैं और फिर से हम नंबर एक रहने का वादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एडमिशन से मतलब नहीं है, मुझे सिलेक्शन से मतलब है। आप ये बैच तभी जुड़िएगा जब, भाई पैसा सबका होता है, मां बाप का पैसा वेस्ट मत करिएगा, इस बैच से तभी जुड़िएगा जब आपको लगे कि सर के साथ मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, मैं 7-8 घंटे पढ़ सकता हूं। आपकी जो क्लासेस हैं, मैथ्स आपकी 3 बजे से चलती है, उसके बाद 4 बजे से इंग्लिश चलती है, 5 बजे से कंप्यूटर चलती है, 6 बजे से हिंदी चलती है, 7 बजे से रीजनिंग चलती है, लगातार 3 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेस हैं, उसके बाद 9 बजे फिर क्लास है। तो ये आप समझते हुए चलिएगा कि 5 से 6 घंटे की क्लास अगर आप इतनी मेहनत कर पाओगे, इसके बाद आप नोट्स जो मिलेगा उसका रिवाइज कर पाओगे, जो क्लास होती है उसके भी क्लास नोट्स, और जो आपका अलग से प्रिंटेड नोट्स होता है आपको दिया ही जाता है, ये सारी चीज कवर कर पाओगे, तभी आप पैसा वेस्ट करना, पैसा मत वेस्ट करना।
क्योंकि मैं बाकी से तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, बच्चों के सिलेक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हमारे संस्था रिकॉर्ड अपने ये नहीं खराब कर सकती कि इतने एडमिशन में मात्र 25% सिलेक्शन हुए। हम 80 से 85%, 90% या 100% भी सोचते हैं वो तो अतिशयोक्ति हो जाती है। 100% तो कोई नहीं करा पाता है, तो मैं ही कहां से करा पाऊंगा। लेकिन फिर भी सर्वाधिक रखने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और रिकॉर्ड अपना खराब नहीं करेंगे। आप फीस जमा भी कर दोगे, हमें लगेगा आप तैयारी नहीं कर रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भैया हम आपकी फीस आपको रिफंड कर देंगे, हम अपना रिकॉर्ड नहीं खराब कर देंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे, हमने सिलेक्शन नहीं करवा पाया। हम उससे पहले ही मना कर देंगे, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे बच्चे ना जुड़िएगा जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है, केवल पैसे देना है। पैसे के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वहां से पैसे आ जाते हैं। मेन उद्देश्य पूरी संस्था का केवल आपका सिलेक्शन है, अच्छी सी गुणवत्तापूर्ण आपकी पढ़ाई है, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते हुए चलेंगे। बाकी कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। पट्टी को से जुड़ने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से जुड़ सकते हो। कोई समस्या आती है तो नीचे नंबर जो चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।